हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन की बीमारी के बारे में, स्किन डिजीज, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया, जिसको हम हमारे आम भाषा में बोलेंगे पुरानी स्किन की एलर्जी। वो स्किन की एलर्जी जो 6 हफ्तों पुरानी हो गई है, मोर देन 6 वीक्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके शरीर में बन जाते हैं चकत्ते से बन जाते हैं, जिसको हम हमारे मेडिकल भाषा में व्हील्स बोलते हैं, गोल गोल, जिनमें बहुत खुजली होती है। कुछ लोगों में चकत्तों के साथ एंजियोइडिमा हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है एलर्जी की वजह से आँखों में, होठों पर या जेनिटल्स पर। तो दोस्तों, वो स्किन की एलर्जी जो 6 हफ्तों पुरानी है, मोर देन 6 वीक्स, जिसमें चकत्ते या एंजियोइडिमा दोनों बनते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक अर्टिकेरिया। आज का ये विषय है और आज हम इस बीमारी के जो जो कारण हैं, इसके लक्षण हैं और इसकी कंप्लीट चिकित्सा इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करेंगे। कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। कॉजेज, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कारण ये होता क्यों है। पेशेंट भी परेशान हो जाता है कि उसकी उजली, उसका अर्टिकेरिया, उसके चकत्ते नहीं मिट रहे, बार बार हो रहे हैं, 2 दिन हो गए फिर वापस आ गए, इसलिए तो ये 6 हफ्तों से पुरानी हो जाती, क्रोनिक हो जाती है। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि उन्हें कारण नहीं मिल रहा, वो पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पा रहे। तो काफ़ी रिसर्च करके अब ये देखा गया है कि इसमें जो कारण है, 50% केसेस से भी ज़्यादा ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से ही ये एलर्जी उत्पन्न हो रही है, बाहर से कोई कारण नहीं है, हमारे शरीर के अंदर से ही ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से ये एलर्जी पैदा हो रही है। 50% ऑफ द केसेस में ऐसा पाया गया है। कुछ लोगों में थायराइड ऑटो इम्यूनिटी, यानी थायराइड जो ग्लैंड है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मिलती है। तो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस है जिन लोगों को, जैसे कि थायराइड है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गठिया है, कुछ SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जिन लोगों को, उनमें ये क्रोनिक अर्टिकेरिया ज़्यादा देखने मिलता है, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये रिसर्च में पाया गया है, जिन लोगों को डेंटल एब्सेसेस हैं, यानी कि जो अपने दांतों में कहाँ पर इन्फेक्शन है, डेंटल कैरीज है, दांतों में कहाँ मवाद है, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन देखा गया है। कुछ लोगों को पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उन वजह से भी ये क्रोनिक अर्टिकेरिया देखने मिला है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्रोनिक अर्टिकेरिया जल्दी जल्दी आएगा या ज़्यादा परेशान करेगा। तो ट्रिगर फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि डाइट, कुछ लोगों को जैसे कि एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स हम जो खाना मिलाते हैं, जैसे कि अचार है या कुछ कैंड फूड्स हैं जो खाना प्रिजर्व करना पड़ता है, तो प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स जो खाने में खाने को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मिलाते हैं, उसकी एलर्जी कुछ लोगों को बनती है। कुछ लोगों को ड्रग से भी हो जाती है, खासकर एस्पिरिन और डाइक्लोफेनिक, इन दोनों दवाओं से एलर्जी ज़्यादा बनती है। कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उस वजह से फ्लैरअप हो जाता है, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस। तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्रोनिक अर्टिकेरिया आपको ज़्यादा परेशान करेगा। अब हम बात करें ट्रीटमेंट, चिकित्सा के बारे में, बहुत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, वो आपको इंटरनेशनल गाइडलाइंस और गहन रिसर्च करके बता रहे हैं कि जो आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोनिक अर्टिकेरिया के अंदर सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स का उपयोग होता है। सेकेंड जनरेशन यानी कि जो नए एंटी हिस्टामिन्स आजकल बाज़ार में है, इनमें से 3 प्रमुख हैं, वो है टैबलेट बिलास्टिन, जिसके बहुत सारे फेमस ब्रांड नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिलाशाइन, बिलाहेस्ट। तो पहला है टैबलेट बिलास्टिन 20 mg, इसका बहुत उपयोग होता है और ये नॉन सीडेटिव होता है। इसका ये फ़ायदा है टैबलेट बिलास्टिन का, नॉन सीडेटिव, यानी इससे नींद भी नहीं आती, इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट भी इसका ज़्यादा नहीं है और ड्रग इंट्रैक्शंस इसके ज़्यादा नहीं है। तो आजकल दोस्तों टैबलेट बिलास्टिन का काफ़ी उपयोग होता है, क्रोनिक अर्टिकेरिया के लिए काफ़ी सेफ ड्रग है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा जो ड्रग यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, वो है फेक्सोफेनाडीन 120 mg और 180 mg, इसका जिसका फेमस ब्रांड नेम है एलेग्रा, इसके भी बहुत अच्छे यूजेस और फायदे देखने मिलते हैं। और थर्ड है वो टैबलेट लोराटेडिन। तो ये हमने 3 नाम बताए आपको, बिलास्टिन, फेक्सोफेनाडीन और लोराटेडिन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहले आपको जब भी क्रोनिक अर्टिकेरिया होगा तो डॉक्टर्स इनमें से कोई दवा या कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। परंतु फिर भी
ये दवा यूज़ करने के बाद भी 40-50% पेशेंट में फ़ायदा नहीं मिलता। फिर हम चलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स का नाम सुन के हम लोग डर जाते हैं कि स्टीरॉइड्स का हम सब सुनते हैं साइड इफेक्ट है, पर बहुत ही अगर जुडिशियस यूज़ करेंगे, सोच समझ के यूज़ करेंगे, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर लेंगे तो नुकसान नहीं करता। कैसा यूज़ करना है? सबसे पहले जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर यूज़ करेंगे वो है टैबलेट प्रेडनिसोलोन। दोस्तों टैबलेट प्रेडनिसोलोन 20-30 mg सिर्फ 3 दिन देंगे डॉक्टर आपको, सिर्फ 3 दिन देंगे, जब ये देखेंगे वो कि आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले दवा गए टैबलेट प्रेडनिसोलोन ओमनाकोटिल 20-30 mg 2-3 दिन देंगे, 3-4 दिन देने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहले दवा हो गई टैबलेट प्रेडनिसोलोन। दूसरी जो दवा यूज़ होती है वो है मोंटीलुकास्ट। मोंटीलुकास्ट को एंटीहिस्टामिन्स के साथ में दिया जाता है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट दवा है वो डॉक्सेपिन है। डॉक्सेपिन 25 mg या 50 mg। डॉक्सेपिन सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तब हम यूज़ करते हैं जब ये डॉक हम देखते हैं कि स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्रेवेटिंग फैक्टर, यानी स्ट्रेस की वजह से आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया देखने मिल रहा है। डॉक्सेपिन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो डिप्रेशन को ठीक करने में भी काम आते हैं। तो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट दवा हो गई, टैबलेट प्रेडनिसोलोन, दूसरा है टैबलेट मोंटीलुकास्ट, और थर्ड है टैबलेट डॉक्सेपिन। तो डॉक्टर्स आपकी कंडीशन देख के आपको एडवाइस करेंगे। जिन लोगों में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट से भी फायदा नहीं मिलता, तो दोस्तों अब हम आते हैं थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे भारत देश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं वो है टैबलेट मीथोट्रेक्सेट। टैबलेट मीथोट्रेक्सेट, ब्रांड नेम फॉलीट्रेक्स, फेमस ब्रांड नेम। रिसर्च में ये देखा गया है कि फॉलीट्रेक्स का जो डोज है 5 mg से लेकर 10 mg हफ्ते में 1 या 2 बार काफ़ी इफेक्टिव होता है। फॉलीट्रेक्स यानी कि मीथोट्रेक्सेट टैबलेट डॉक्टर्स एडवाइस इसलिए भी करते हैं हमारे भारत देश में क्योंकि ये सस्ती टैबलेट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजीली अवेलेबल है, और डॉक्टर्स फॉलीट्रेक्स का यूज़ सोरेसिस बीमारी को ठीक करने में यूज़ करते हैं, सोरेसिस जो स्किन डिजीज़ है, इसलिए डॉक्टर्स को इस दवा के बारे में पहले से ज्ञान भी है। तो ये 3 कुछ इम्पोर्टेंट फायदे हैं। इसका कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए टैबलेट मीथोट्रेक्सेट यानी ब्रांड नेम फॉलीट्रेक्स के, वो हैं कि ये लीवर पर आपके असर कर सकते हैं, कुछ लोगों के लीवर पर यानी हेपेटाइटिस हो सकता है, और बोन मैरो सप्रेशन यानी कि जो आपके काउंट्स है ब्लड में CBC में वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स उनको कम कर सकते हैं। तो बोन मैरो सप्रेशन और हेपेटाइटिस ये इसके 2 इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। परंतु अगर डॉक्टर्स इसे यूज़ करना चाहें तो बहुत ही अच्छा ड्रग है, सस्ता ड्रग है, इजीली अवेलेबल है, और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है टैबलेट मीथोट्रेक्सेट, ब्रांड नेम फॉलीट्रेक्स। फ्रेंड्स अब थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्रग है, दूसरा इम्पॉर्टेंट ड्रग है, वो है साइक्लोस्पोरिन। टैबलेट साइक्लोस्पोरिन टैबलेट फॉर्म में भी है और इंजेक्शन फॉर्म में भी है। इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स उनको देखने मिलते हैं। पहला बेनिफिट है कि इसको यूज़ करने से जो पेशेंट्स स्टीरॉइड्स पर हैं, जिनके बहुत लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहे हैं जिनसे शरीर को साइड इफेक्ट हो रहा है, उनसे वो बचा सकते हैं। इट स्पेयर्स द नीड ऑफ यूज़ ऑफ स्टीरॉइड साइक्लोस्पोरिन। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको यूज़ करने से कई बार ये देखा गया जो सीवियर अर्टिकेरिया के पेशेंट्स हैं वो रेमिशन में चले जाते हैं, यानी कि उनके लक्षण कई दिनों तक या तो बहुत कम हो जाते हैं या बीमारी गायब हो जाती है, रेमिशन में चली जाती है। तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं साइक्लोस्पोरिन के। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, यानी कि जिन लोगों में जिन परिस्थितियों में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड BP है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, उनमें हम नहीं देंगे। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनमें नहीं देंगे। किडनी प्रॉब्लम है या सीवियर इन्फेक्शंस है या जिन लोगों को कैंसर है उसमें ये दवा कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जिन लोगों में कोई भी दवा कारगर नहीं हो रही उसके लिए अब हमारे भारत देश में एक इंजेक्शन ओमेलीजुमैब आया है। ये भी एक इम्यूनो सप्रेसेंट दवा है जिसके 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। काफ़ी सेफ़ है, इफेक्टिव है इस इंजेक्शन का। सेफ़ इफेक्टिव ऐसा है कि इसको यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और जो बीमारी है क्रोनिक अर्टिकेरिया वो रिमिशन में चली जाती है, उसके लक्षण कई दिनों तक गायब हो जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉस्टली है,
इस इंजेक्शन काफ़ी महंगा है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखकर डॉक्टर से आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये 300 mg का इंजेक्शन है और महीने में एक बार लगता है। डॉक्टर्स आपको चेक करके 3 इंजेक्शन या 5 इंजेक्शन का कोर्स देंगे और बीमारी आपकी रेमिशन में जा सकती है। इसलिए कभी भी आपको लगे कि आपकी क्रोनिक अर्टिकेरिया में कोई चीज़ फ़ायदा नहीं कर रही, तब आप डॉक्टर से इस दवा के बारे में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल इस पर रिसर्च हो रही है, इस्तेमाल हो रहा है, ये थेरेपी का नाम है ऑटोलोगस सीरम थेरेपी। इसमें क्या करते हैं, जिस पेशेंट को क्रोनिक अर्टिकेरिया है, जो इस बीमारी से पीड़ित है, उस पेशेंट का ही ब्लड लेकर उसमें से हम सीरम निकालते हैं और वही सीरम उस पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं उसके मसल्स में, बटक्स के मसल्स में। रिसर्च पे ये देखा गया है कि ऑटोलोगस सीरम थेरेपी का काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स है। इसलिए कभी भी आप इस बारे में भी डॉक्टर से आप डिस्कस ज़रूर करना कि ऑटोलोगस सीरम थेरेपी वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आज हमने आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया यानी कि जो 6 हफ्तों से भी पुरानी स्किन की एलर्जी है, उसके बारे में सारी जानकारी विस्तृत में दी है। आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ हम आपको और ला कर दे सकें। नमस्कार, जय हिंद।